Hello students, in today's topic we will understand two things. First is El Nino, ENSO and Intertropical Convergence Zone. तो ये तीनों टॉपिक्स जानने से पहले आपको ये जो कंसेप्ट है ये आपको जानना जरूरी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर यू द रेड एरो डिनोट्स वार्म करंट एंड ब्लू एरो डिनोट्स कोल्ड करंट. तो इस तरीके से करंट फ्लो होता है, पानी फ्लो करता है एंड दिस फ्लोज ड्यू टू यू नो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. लो प्रेशर मतलब पानी गर्म है तो वो वेपराइज हो चुका है एंड हाई प्रेशर मीन्स द वॉटर इज कोल्ड. ओके, सो ये जो है ये आप आराम से देख ले, उसके बाद में हम लोग समझते हैं कि क्या है. ओके, दिस कोल्ड करंट ये जगह लेगा वार्म करंट्स की और इस तरीके से पानी मूव होगा. तो जो दो टॉपिक्स हैं एल नीनो और ENSO, ये दोनों एक पार्ट है, और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इन दोनों को पढ़ने से पहले आप ये जो आपके सामने पिक्चर है इसके थ्रू एक बार जाइए समझिए कि किस तरीके से करंट फ्लो होता है. करंट का मतलब यहाँ पे बहाव है, स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ द ओशन हाउ इट फ्लोज. एंड वन द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज दैट रेड को रिप्लेस करेगा ब्लू, दैट ब्लू इज कोल्ड करंट एंड रेड इज वार्म करंट. नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक चीज देखी थी कि करंट किस तरीके से फ्लो होता है ना, एंड देयर वॉज टू जोन. मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से जो विंड है वो फ्लो होती है. यू कैन सी दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट विंड, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है. ऊपर वाली जो भी आपको विंड्स दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट विंड्स एंड दिस इज कॉल्ड विंड एंड साउथ ईस्ट विंड्स जो नीचे से आ रही है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ITCZ. ओके, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बिकॉज बोथ द विंड्स आर कन्वर्जिंग हियर. ठीक है, ये बीच वाला आपका क्या है, ये जो लाइन है इट इज इक्वेटर. आपको एक चीज समझनी है. ओके, नाउ इट इज अ ब्रॉड थ्रू ऑफ लो प्रेशर इन इक्वल इन इट इज अ ब्रॉड थ्रू ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड. दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट विंड्स कन्वर्ज. इट लाइज मोर और पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ व्हेन अपेरेंट मोमेंट ऑफ सन. सो दिस जोन समटाइम्स इट कम्स अप, समटाइम्स इट कम डाउन एंड इट इज मोस्टली पैरेलल, नॉट एग्जैक्टली पैरेलल बट मोस्टली पैरेलल टू इक्वेटर. क्यों? क्योंकि जब अर्थ रोटेट होती है तो उसका जोन देखो ऊपर आ जाता है. ठीक है, और अगर ये समर में होता तो थोड़ा नीचे होता. ठीक है, तो ये है कारण. अगर हम बात करें समर में, देखिए आप बहुत ऊपर आ चुका है ये, और विंटर में थोड़ा नीचे हो जाता, तो इससे ऊपर वाला जो ये जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पे सर्दी पड़ जाती, क्योंकि यहाँ पे वो इंपैक्ट नहीं होता ITCZ का. सो अभी हम समझेंगे व्हाट इज डिफरेंट. वी विल जस्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ ITCZ. नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, सो ITCZ इज अ ब्रॉड थ्रू ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड. दिस इज वेयर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट. देखो नॉर्थ ईस्ट जो ऊपर से आ रही है और साउथ ईस्ट जो नीचे से ऊपर जा रही है, व्हेन दे बोथ दिस वन एंड दिस वन मीट. ओके, सो दिस कन्वर्जेंस जोन
लाइज मतलब पैरेलल है, क्यों? क्योंकि जब अर्थ रिवॉल्व होता है तो थोड़ा बहुत टिल्टेड हमारी अर्थ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस जोन क्वाइट शिफ्ट समटाइम अपर साइड और लोअर साइड, है ना, क्योंकि सर्दियों में ये नीचे हो जाती है, ट्रॉपिकल कैंसर से भी नीचे दिस जोन, एंड कभी ये ऊपर चली जाती है, जब ऊपर होती है इंडिया में तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में सर्दी आ जाती, गर्मी आ जाती है, एंड व्हेन इट शिफ्ट टूवर्ड्स डाउनवर्ड तो जो नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है. सो यू कैन सी दिस कन्वर्जन जोन लाइज मोर और लेस टू द इक्वेटर, पैरेलल टू द इक्वेटर, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन. नाउ स्टूडेंट, देर इज अ टर्म आई सेड एलनीनो. एलनीनो क्या है? एलनीनो इज अ वार्म मोशन करंट. क्या है? वार्म मोशन करंट. ओके, एंड इट इज अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू. पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिकन. एलनीनो का मतलब होता है द स्मॉल चाइल्ड और चाइल्ड, रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट. एंड दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस. क्रिसमस के दौरान यहाँ पे गर्मी होती है. एक चीज़ मैं बता दूँ, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें, जो हमारी इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट है उसमें गर्मी स्टार्ट हो जाती है. जब नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड इज हैविंग विंटर, द सदर्न विल हैव समर. सो एलनीनो लीड्स टू द इंक्रीज इन द सी टेम्परेचर, क्योंकि ये ऑलरेडी वार्म है और ज़्यादा इसमें जब सूरज आएगा या फिर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो दैट विल इम्पैक्ट एंड इट विल हैव अ वार्म करंट. ओके, एंड इट विल अफेक्ट ऑल अदर एटमोस्फेरिक कंडीशन इवन इन इंडिया ऑल्सो. जस्ट लाइक दिस यू कैन सी, ये जो कंट्री है ये यहाँ पे साउथ अमेरिका में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पेरू है, और ये आप देख सकते हैं एलनीनो है. अब एलनीनो जो होता है तो जो पानी जो करंट है ओके वो इस जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है और जो कोल्ड है वो इधर आना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसका इंपैक्ट पड़ जाता है और ये इस तरफ निकल जाता है. ये हर 2 या 5 साल में एक बार ऐसा ये एक इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एलनीनो इफेक्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सदर्न ऑस्टिलेशन. नाउ सदर्न ऑस्टिलेशन एक ऐसा प्रेशर कंडीशन है जो कि सदर्न ओशन में इंपैक्ट डालता है और उससे मॉनसून कराता है. तो ट्रॉपिकल सदर्न पैसिफिक ओशन इसको एक्सपीरियंस करता है बिकॉज यहाँ का जो प्रेशर काफ़ी हाई होता है. ओके, इट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सदर्न ऑस्टिलेशन, एंड सदर्न ऑस्टिलेशन प्लस एलनीनो इज कॉल्ड ENSO, जो हमने बात की थी. ये हम पढ़ते रहेंगे लेकिन इससे पहले हमको कुछ समझना है. सो व्हाट इज सदर्न ऑस्टिलेशन? देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एलनीनो अफेक्ट होता है. ओके, इन द एलनीनो इफेक्ट द प्रेशर इज और द करंट इज वार्म, बट देर इज वन मोर करंट विच इज कॉल्ड पेरुवियन करंट, यू कैन सी. ओके, अब मोस्टली मैंने आपको बताया था कि जेट स्ट्रीम यहाँ से निकलती है, वेस्टर्न साइड जाती है, बट यहाँ पे लो प्रेशर जब इकट्ठा होता है, वार्म करंट इकट्ठा होती है, तो यहाँ से भी सदर्न, जो सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ है वहाँ से मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज ऑल इज नोन एज सदर्न ऑस्टिलेशन. सो दिस इज द सदर्न ऑस्टिलेशन्स डेफिनेशन, एंड बोथ एलनीनो एंड एसओ, दैट इज सदर्न ऑस्टिलेशन इज कॉल्ड ENSO. सो दिस इज एलनीनो. एलनीनो यहाँ नीचे अफेक्ट करता है पेरू में, एंड दिस पेरुवियन कूल वाटर अफेक्ट्स हियर. दिस इज हाई प्रेशर विच इज कोल्ड वाटर. इट मूव्स टूवर्ड्स द वार्म बिकॉज द वार्म करंट है, वार्म वाटर है, इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. यू नीड टू आंसर 2 questions. फर्स्ट इज व्हाट इज एलनीनो, सेकेंड सदर्न ऑस्टिलेशन. थैंक यू.